क्या आपकी भी स्किन मेरी तरह डल हो गई है या फेस पे टैनिंग हो गई है, फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, तो इस फेस मास्क को आप अप्लाई करें। वन ही यूज़ में आपको बेस्ट वाला रिजल्ट मिलेगा और अब आप डिफरेंस देख सकते हो। वन ही यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो बार यूज़ करने से फेस से कर देगा कालेपन को दूर। तो आपने करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी विद संगीता वर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संगीता और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक फेस मास्क। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, समर में क्या होता है स्किन ड्राई हो जाती है और फेस पे कालापन आ जाता है जिससे स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता, तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो ये वाला फेस मास्क आप ज़रूर ट्राई करें। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वन ही यूज़ में आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगा जिससे आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और आपको स्पेशली समर में किस तरह से स्किन केयर करनी चाहिए आप आगे वीडियो में देखोगे। तो चलो वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस फेस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैं ले लूँगी शुगर और 1 स्पून मैंने यहाँ पे शुगर का लिया है और ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी। वन यूज़ में ही आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव कर देगी जिससे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा, फेस से कालेपन को दूर कर देगी, अगर किसी की ड्राई डैमेज हो गई है उसे ठीक कर देगी, टैनिंग को एक ही बार में बिल्कुल ठीक कर देगी। और इसको हमने कर लेना है मिक्सी में ग्राइंड और यहाँ पे हमारा ये पाउडर फॉर्म में बन गया है और ये देख लीजिए इसका हमने पाउडर ही यूज़ करना है और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है दही यानी कर्ड। और कर्ड का क्या बेनिफिट होगा आपकी स्किन को, ये आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगी। फेस पर कितने भी दाग धब्बे क्यों ना हो, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाती है अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो। दही का रेगुलर यूज़ करने से एक तो स्किन फेयर बनती है डे बाय डे और साथ में ये स्किन को यंगर रखता है। और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है लेमन, यहाँ पे मैं लेमन हाफ स्क्वीज़ कर लूँगी। अगर आपकी स्किन को लेमन छूट नहीं आता है, सेंसिटिव आपकी स्किन, विटामिन सी होता है जो स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है, फेस से टैनिंग को रिमूव करेगा, वन ही यूज़ में फेस से कालेपन को बिल्कुल ठीक कर देगा। और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे राइस फ्लोर यानी चावल का आटा और चावल के आटे के यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिए हैं और इसको भी अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे हमारा DIY फेस मास्क रेडी हो गया है जो आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगा, एक ही बार में आपकी स्किन पे ग्लो लेके आएगा, फेस पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हो उसे ठीक करने का काम करेगा। तो अब मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ कि आपने इसको अपने फेस पे किस तरह से अप्लाई करना है। और अब आप मेरी स्किन देख सकते हो बहुत ज़्यादा डल हुई है और फेस पे अभी ग्लो नहीं है, तो एक ही बार यूज़ करने से फेस पे ग्लो भी आ जाएगा। और सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपने फेस मास्क कुछ भी अप्लाई करते हो तो अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे मैं टोनर का यूज़ कर रही हूँ, फेस को पहले क्लीन कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं फेस मास्क को अप्लाई करूँगी। और ये देख लीजिए इस तरह से मैं इसे पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। इस तरह से पहले आपने फेस पे इसे लगाना है और लगाने के बाद आपने इसकी 2 मिनट मसाज करनी है। स्किन कितनी भी डैमेज क्यों ना हो, अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो तो स्किन बिल्कुल आपकी ग्लो करेगी, फेस से ग्लो चला गया है ग्लो भी आपका वापस आ जाएगा। वन यूज़ में ही साथ में अपनी डाइट का ध्यान रखें। पानी आपने 7 से 8 गिलास आपने दिन में पीने हैं और आपने ग्रीन वेजिटेबल और सीजनल फ्रूट आपने खाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। स्किन अपने आप ही आपकी ग्लो करेगी अंदर से और उसके बाद आप फेस मास्क को अप्लाई करें, अमेजिंग रिजल्ट आपको इसके साथ मिलेगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे मैं इसे लगा रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपने 2 मिनट वेट करनी है और उसके बाद आपने आइस क्यूब के साथ मसाज करनी है। इससे क्या होगा, आपके जो पोर्स के अंदर से पूरी डर्ट गंदगी निकल जाएगी जिससे आपको पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जो पोर्स हैं वो श्रिंक होंगे, इसके साथ पोर्स का साइज बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा, फेस एकदम से अंदर से ग्लो करेगा। वन यूज़ में ही आपको बेस्ट वाला
रिजल्ट इसके साथ मिलेगा और अब आप मेरी स्किन देख सकते हो, डिफरेंस आ गया है वन यूज में ही। एक ही बार यूज करने से स्किन एकदम ग्लो कर गई है। आपकी भी अगर फेस पे ग्लो चाहते हो तो इसे जरूर अप्लाई करें। सारे इंग्रेडिएंट आपको इजीली आपके किचन में मिल जाएंगे और मेरी जितनी भी रेमेडी होती है बहुत सिंपल होती है और इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो सारे इजीली किचन में मिल जाते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी इंग्रेडिएंट हो वो सारे आपको इजीली किचन में मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी स्किन को ऐसे नहीं छोड़ना है, आपने या तो मॉइस्चराइज़र लगा लेना है या फिर आप एलोवेरा जेल को भी अपनी स्किन पे लगा सकते हो और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी स्किन पे। अगर आप इस तरह से अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, और समर में स्पेशली स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फेस पे डर्ट गंदगी जमा होती रहती है जिससे बहुत सी प्रॉब्लम फेस पे आ जाती है और इस फेस मास्क को सभी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्पफुल। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ।